जय साई राम। नमस्कार। अब मैं ब्रजमोहन सूरी आपको जहाँ शुक्रवार का उपाय बताऊंगा, वहीं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले का यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है। इसलिए ये उपाय अवश्य करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं, तो ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो हम आपको बताते हैं। ये अवश्य करना चाहिए, जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे, एक दिन पहले का उपाय अवश्य किया कीजिए। तो अब नोट कीजिए, आज क्या करना है। आज शुक्रवार है और ग्रहण से एक दिन पहले का दिन है, इसलिए आज हम एक तो दही दही लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे और थोड़ा सा शहद डालेंगे। शहद, चीनी और दही और साथ में थोड़ा सा गुड़। ये चीज़ें, गुड़ बीच में नहीं डालना है दही के, ये चीज़ें आप किसी को दान कर दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, चाहे आप जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे वृक्ष के पास रख दीजिए, चाहे किसी गरीब को दे दीजिए, कुछ भी। जैसे मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा दे दीजिए तो आपका बहुत अधिक देने को दिल है, दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक रोटी दे दीजिए, बहुत सारों ने पूछा ज़्यादा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, चाहे आप 1000 रोटी दान कीजिए। मैं तो कम से कम बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जिनकी बजट नहीं है वो भी कर सकें। तो ये उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि भाई उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। अब कुछ लोगों को कम होता है, कुछ लोगों को अधिक होता है, ये डिपेंड करता है आप कितनी लगन से, कितने प्रेम से उपाय करते हैं। जितनी लगन से, प्रेम से दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। सूर्य ग्रहण है तो कल मैं आपको सूर्य ग्रहण का उपाय भी बताऊंगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन वह उपाय अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। मैं ब्रजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं, जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं, वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओह।